हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो है करंट ट्रांसफार्मर जो है उसको कैसे टेस्ट करना है, उसका जो रेशियो है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको चेक करना है कैसे, वो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है करंट ट्रांसफार्मर 30/5, ठीक है। और जो अलग अलग तरह की रेशियो का मैंने करंट ट्रांसफार्मर लिया है, ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये जो है आपको दिखाएंगे जो है 400/5, और ये जो है 60/5, ठीक है। तो मैंने हर तरह का जो है सीटी लिया है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने ये वोल्ट मीटर लिया है डिजिटल, और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है ताकि मैं वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और जो है यहाँ पे मल्टीमीटर डिजिटल लिया है, और एक जो है L&T का मैंने एम मीटर लिया है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ से मैं टेस्टिंग करके आप दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है एक एनालॉग मीटर लिया है जो कि है 30 एम्पियर की है मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। और जो है मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लिया है 2.5 kVA का, जिसका इनपुट है देख सकते हैं 415 वोल्ट, और आउटपुट है 230, ठीक है। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने कनेक्शन रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं इसका सारे कनेक्शन रेडी किया है। जो सीटी का जो नियम होता है उसका जो इनपुट होता है वो P1 से होगी, तो वैसे ही मैंने इसका वायरिंग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है सीटी का S1 S2 मीटर में लगा दिया है, और उसका ऑक्सिलरी सप्लाई भी दे दिया है। तो जैसे हम पावर ऑन करेंगे मीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको कॉस्ट चेक करने के लिए ये जो है डिजिटल मल्टीमीटर लिया है, ठीक है, सीटी का रेशियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो वोल्ट मीटर मैंने लिया है वो बताएंगे, ये जो वेरियर है इससे जो वोल्टेज कितना आ रहा है वो देखने के लिए मैंने इसको अलग से लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है MCB होके जो उसका आउटपुट है, फिर सीटी होके देखिए यहाँ से P1 होके यहाँ पे सीधा, देखिए यहाँ से सीधा जा रहा है इस ट्रांसफार्मर की इनपुट में, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जहाँ पे 415 इनपुट है वहाँ पे मैंने लगाया है जो आउटपुट है वेरियर की, ओके। और जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो देखिए मैंने एक वायर की द्वारा शॉर्ट किया है, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने शॉर्ट किया है। तो अभी जो है ये रेडी है, अभी हम देख यहाँ पे जो है पावर ऑन करेंगे और इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। और जो है दोस्तों एक एक सीटी आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे, कौन सा सीटी सही है कौन सा सीटी गलत है वो टेस्टिंग करने के बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसको 200 एम्पियर पे सेट कर दिया है, और जो है जो क्लम है, क्लम मीटर है, इसमें लगाना है वायर में तब भी इसमें एम्पियर शो करेगी, तो मैंने लगा लिया है। और जो है डिजिटल मीटर, ठीक है, इसमें से कॉस्ट चेक होगी, तो इसको मैंने पावर देके ऑन कर लिया है। और जो है देखिए जो वोल्ट मीटर है उसका वोल्टेज मिनिमम जो है वो नहीं था, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। तो वेरियर से मैंने वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया है तो अब जाके ऑन हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये जो वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका जो नॉब है क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। तो मैंने इसको लिया है वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए लिया है, ठीक है। तो अभी जो है मैंने वोल्टेज थोड़ा यहाँ पे कम सेट करेंगे, तो देखिए 42-41 वोल्टेज पे सेट हुआ है। तो दोस्तों जो MCB है इसको जैसे मैं ऑन करूँगी, जो मैंने 2.5 kVA का ट्रांसफार्मर लिया है उसमें पावर जाएगी, ठीक है। तो पावर जाने से क्या होगा ये देख सकते हैं। तो मैं ऑन करूँगी, इससे पहले आपको फिर एक बार बता देंगे कि जो है सीटी की P1 से आपको इनपुट लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ऑन करेंगे, ऑन करने से वोल्टेज जो है मेरा 41.78 है, ओके,
इसको थोड़ा सा कम करेंगे, 40 में लाएंगे, फिर ऑन करेंगे। तो दोस्तों इसको देखिए 40 में सेट कर दिया है, वो जो वोल्टेज दिखा रहा है एसी वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो लगाया है। और देखिए यहाँ पे जो है सीटी रेशियो 100:5 है। ठीक है दोस्तों, ओ यानी इस सीटी की ये जो वायर अंदर से गया है उसमें से 100 एम्पियर जाएगी, तो ये जो सीटी है वो 5 एम्पियर आपको आउटपुट देंगे। ठीक है, तो 5 एम्पियर आउटपुट जैसे मिलेगी, वो जो मीटर का सेटिंग होता है वो सेटिंग से आपको 100 ही मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मीटर का जो है प्रोग्रामिंग वो सेटिंग कर लेते हैं, तो ये सेव हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस मीटर और वेरिएबल जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन वगैरह देखने के लिए मेरे जो पहले वीडियो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मेरा वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया है तो एम्पियर जो है डिजिटल में 6.084 दिखा रहा है, और मेरा जो है डिजिटल वोल्टेज है 36। ओके, और वोल्टेज जो है कम करने से देखिए एम्पियर थोड़ा घट रहा है, तो अभी जो वोल्टेज है 27.4 एम्पियर मल्टीमीटर में 3.7, जो कि ये जो 100:5 सीटी है उसका जो रेशियो है, रेशियो से जो मीटर में दिखा रहा है शो कर रहा है वो मल्टीमीटर से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 5.32 और यहाँ पे 6, ये 1 एम्पियर की करीबन 1.2 एम्पियर की फ़र्क दिखा रहा है। तो दोस्तों सिटी में कुछ गलत है, इसलिए मेरा जो है ज़्यादा एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम इसको बंद करेंगे, बंद करके मैं दूसरा सिटी इसमें इंस्टॉल करूँगी। ठीक है, तो दूसरा सिटी जो है उसको लगाने से पहले आपको दिखाएंगे, ये जो है मैंने एनालॉग मीटर जो लिया है देखिए 30/5 एम्पियर की है। ठीक है, देख सकते हैं जो सीटी है 30/5 है, इसलिए देखिए मीटर का रेंज जो है 30 है, एनालॉग है, इसलिए जो सीटी रेशियो जैसा होगा वैसा ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो पहले वाला कनेक्शन किया था, अभी जो है बीच में हम ये 30/5 सीटी को ले लेंगे, तो यहाँ का जो इनपुट होगी वो P1 से जाएगी, इसलिए मैंने जो लोड का वायर था वो P2 होके MCB में कनेक्शन दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको टाइट कर लेंगे, फिर जो है मीटर को ऑन करेंगे। तो अभी जो है पहले जो देखा था 100/5 जो सीटी था उसका जो कॉस्ट चेक किया था मल्टीमीटर और डिजिटल मीटर में, तो वो सही नहीं बता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो जो 100/5 सीटी है वो चेक हो गया, वो थोड़ा 1.5 एम्पियर का डिफरेंट दिखा रहा है। तो अभी जो है 30/5 एम्पियर का जो सीटी है वो चेक करेंगे, और जो है क्लैंप मीटर जो है देखिए मैंने फिर इस वायर में डाल दिया है, तो अभी जो है ऑन करेंगे, अभी डिजिटल एनालॉग और मल्टीमीटर में इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, 30/5 सीटी को, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा अभी चेक करेंगे। तो दोस्तों फिर हम इसको ऑन करेंगे एमसीबी को और जो लोड में देखेंगे, तो देखिए जैसे ऑन किया है अभी जो एनालॉग मीटर में दिखा रहा है 6 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, और मल्टीमीटर में 6.5 दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए 6.4 डिजिटल मीटर में दिखा रहा है। तो दोस्तों यानी ये जो 30/5 सीटी है वो सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सीटी को चेक करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।